हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पे जो मैच होने वाला है वो गाइज हमारा होगा आज स्टार्स वर्सेस सिक्सर के बीच में। सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, सबसे पहले हमारी आज की पिच रिपोर्ट। लेकिन गाइज, उससे पहले जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ जाना, क्योंकि गाइज अगर वहाँ पे आप देखोगे टीम्स वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे चल रही हैं। सो बात करेंगे सबसे पहले हमारी आज की पिच रिपोर्ट। सो दोस्तों, ये जो मैच हमारा खेला जाएगा वो खेला जाएगा MCG पे। एंड अब आपको बता दूँ, यहाँ पर भी जो टोटल मैचेस खेलेंगे ना डोमेस्टिक के, वो है यहाँ पे 68 मैचेस, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने मैचेस विन करें 29। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेजिंग वाली टीम की, सो गाइज वहाँ पे 38 मैचेस यहाँ पे चेजिंग वाली टीम यहाँ पे विन करें। सो यहाँ पे आपको क्लियर शो होता है कि चेजिंग वाली टीम यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और एक डिफरेंस भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे एवरेज स्कोर की, सो गाइज एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको दिखाई देगा 157 का। लेकिन गाइज मैं आपको बोलूँगा कि एक लो स्कोरिंग मैच आपके लिए बन सकता है। अब कभी कभार ऐसी चीज़ एकदम नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्टैट के साथ जाओगे तो वाइज आपको एक लो स्कोर यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। लाइक अगर बात करूँ आज का जो मैच था एडलेड वाला, सो वहाँ पर वो क्या था कि एक काफ़ी अच्छी हाई स्कोरिंग हुई थी। लेकिन गाइज आपको जैसा बोला था कि पर्थ के जो बैट्समैन है वो यहाँ पे थोड़ा सा कोलैप्स करेंगे, उनका जो टॉप ऑर्डर है वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। और आपने देखा क्रॉली और व्हाइटमैन उनके जल्दी चले गए, इंग्लिश और वहाँ पर जो हार्डी था उन्होंने फिर भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट करा, और इवांस ने यहाँ पे अच्छा काम करके गए। ठीक है, इवन कोला था कि जो हमारे हार्डी हैं वो इतनी लंबी पारी यहाँ पे नहीं खेलेंगे। सो आपने देखा वो 30-35 के आसपास आउट हुए थे। सो अब बात करते हैं यहाँ से क्राइटेरिया की, जो स्कोरिंग पैटर्न हमारा रहने वाला है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 150 से यहाँ पे नीचे देखेंगे, फिर यहाँ पे 150 से 170 के बीच यहाँ पे रहेगा, 70 से 190 के बीच में। उसके बाद अगर बात करूँ 190 के ऊपर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करेंगे 150 से नीचे आ रहा है 30 टाइम्स, और जो मेजोरिटी है ना वहाँ पे 150 के नीचे आपको नजर आएगी। फिर मैं बात करूँगा 14 टाइम्स 150 से 170, और 170 से 190 आपको 19 टाइम्स आपको देखने में मिला। तो लो स्कोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 टाइम्स आपको देखने को मिलता है। सो टोटल मैचेस यहाँ पे खेले गए थे 68, और अब यहाँ पे देखो 68 में से ओनली 5 टाइम यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग यहाँ पे हुई है। तो हाई स्कोरिंग का तो चांस बिल्कुल एकदम ना के बराबर है। सो जहाँ पे चांसेस बन रहे हैं वो यहाँ पर को कुछ 150 के आसपास यहाँ पे रहने चाहिए। एंड गाइस देखो, इस केस में होता क्या है, आपको जो बैक कर रहे हैं ना वो आपको करने हैं हमारे बॉलर्स। सो अब चलते हैं हमारी टीम की तरफ में। सो सबसे पहले बात करूंगा मैं फिलिप्स की। सो गाइस फिलिप्स की अगर बात करें, सो इनका जो रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, इन्होंने जो यहाँ पे स्कोर करा हेड टू हेड पे, ठीक है। सो हेड टू हेड में गाइस इन्होंने यहाँ पे 29 का एवरेज इनका यहाँ पे रहा है। एंड अगर बात करूँ इन्होंने टोटल खेले 13 मैचेस, और जहाँ पर इनके जो रन्स आ रहे हैं वो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे, यहाँ पे 300 यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पे रन बनाए। और आप देखोगे ना 29 के एवरेज यहाँ पे रन बना के जा रहा बंदा। सो आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे पिक हो सकता है। प्लस यहाँ पे देखो, आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो हार्पर है ना दूसरा ऑप्शन, उसका जो बैटिंग है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा नीचे चला गया, तो इसलिए अब हार्पर की इतनी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। फिलिप्स की बात करें, बैटिंग सेक्शन में चलेंगे तो बैटिंग सेक्शन में गाइस हमारे पास यहाँ पे विंसी रहेंगे एंड यहाँ पे लॉरेंस। अब बाकी अगर बात करूँ कार्टराइट की, तो कार्टराइट का जो बैटिंग ऑर्डर ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो इसके लिए मैं उसको यहाँ पे ड्रॉप करके जाऊँगा। अब बात करूँ अगर मैं यहाँ पे विंसी की, तो विंसी का जो हेड टू हेड में एक एवरेज आया वो यहाँ पे 38 का है। एंड अगर वहीं बात करूँ वेन्यू की, सो इस वेन्यू पर इन्होंने 31 के एवरेज यहाँ पे रन बनाए। लेकिन जो इनका थोड़ा सा एक रही है दिक्कत, वो इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। लास्ट मैच 9, उससे पहले 8, वहाँ पे नॉट आउट था वैसे 8, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 83, 10 एंड यहाँ पे 5। तो आप देखोगे लास्ट के जो 5 मैचेस हैं वहाँ पे बस एक ही मैच परफॉर्म कराए इन्होंने। लेकिन एक विंसी एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, काफ़ी एक अच्छा प्लेयर आपको यहाँ पे नजर आएगा, एक एक्सपीरियंस है उसके पास, तो इसलिए ड्रॉप तो मत करना, ठीक है। भले आप CUC जैसे काम मत करना, लेकिन आप एक नॉर्मल पिक की तरह लेके जा सकते हैं। अब बात आती है लॉरेंस की। सो लॉरेंस ने कही देखो, सेम वेन्यू पर लास्ट मैच 7 रन 2 विकेट वहाँ पे निकाले थे। भले वहाँ पे बैटिंग से हुआ था फ्लॉप, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग से आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट दे गया था, और इवन हमारा उस दिन वहाँ पे वाइस कैप्टन था, ठीक है। सो आज मैं आपको वाइस कैप्टन के लिए बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा पिक यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि बैटिंग से मेरे को लगता नहीं कंसिस्टेंट यहाँ पे फ्लॉप होगा। और वहाँ पे एक 30-35 रन के आसपास अगर आपको देखे जाते तो आपके लिए एनफ पॉइंट यहाँ पे बना के चला जाएगा, तो इसलिए लॉरेंस आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे पिक रहने वाला है। अब बात करेंगे हमारे ऑलराउंड सेक्शन से, तो मैक्सवेल स्टोनिस हेनरिकस वेबस्टर एंड एडवर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टॉम गर्ग को मैं इग्नोर करके जाऊंगा, काफ़ी लोग यहाँ पे इसको बैक करेंगे, बड़ा नाम है इसकी वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। इमाद वासिम की बात करूँ, इसको आप लेके चले जाना, ग्राइंडिंग में आपके बहुत काम यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मैक्सवेल की बात करेंगे सबसे पहले, तो मैक्सवेल के अगर यहाँ पे आप रिकॉर्ड देखोगे, तो गाइस यहाँ पर इसने लास्ट मैच अगर आप बात करूँ 32 रन और 1 विकेट, उसके पहले फिर यहाँ पे 28 रन एंड 2 विकेट, तो मतलब जो रन बना के जा रहा है 30 रन के आसपास बना रहा है, और विकेट्स यहाँ पे इसको मिल रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो 35 रन, फिर यहाँ पे 3 विकेट है, और उसके बाद यहाँ पे 12 रन थे। तो आपको विकेट साथ में आपको बैटिंग से भी आपको अच्छे पॉइंट देके जा रहा है, तो कैप्टनसी के लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए भी यहाँ पे पिक रहने वाला है। उसके बाद बात आती है फिर यहाँ पे वेबस्टर की। अब यहाँ पे वेबस्टर का यहाँ पे देखो
जिसका परफॉर्मेंस है लास्ट मैच 14 रन और 1 विकेट, उससे पहले बैटिंग से अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब इसने शुरुआत वाले मैच में खेला था ना अभी बीबीएल में, सो वहाँ पर इसने जो परफॉर्मेंस दिया था अपना 59 रन एंड यहाँ पे 4 विकेट यहाँ पे निकाल के गया था। सो एक तरफा यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस थोड़ा यहाँ पे डाउन हुआ है। सो अगर आपको कोई और वाइस कैप्टन नहीं मिला, अगर आप चाह रहे चलो ठीक है हम बैट्समैन पे रिस्क नहीं लेते, तो वेबस्टर आपके लिए एक अच्छा पिक यहाँ पे बन सकता है तो वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं स्टोनिस की तरफ में, तो स्टोनिस को यहाँ पे देखो मैं आपको बोलूँगा ऐसा नॉर्मल पिक यहाँ पे लेके जाना, क्योंकि स्टोनिस या तो आपको एक तरफा यहाँ पे लेके जाएगा या फिर आपको सबसे कम पॉइंट देके जाएगा या फिर आप डक पे भी जा सकता है, तो इसलिए स्टोनिस पे इतना भरोसा यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमाद वासिम ओनली एक ग्रैंड लीग के लिए पिक होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म है इतना अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। आपको बता दूँ इमाद वासिम एक बड़ा ग्राउंड है एमसीजी, तो वहाँ पर स्पिन को थोड़ी सी अच्छी हेल्प मिल सकती है, तो इसलिए वासिम को आप बैक करके चले जाएंगे। अब बात करेंगे ऐसे हैनिकेस, तो हैनिकेस अगर बात करूँ इसकी बैटिंग की, सो गाइस आपको बैटिंग से आपको एक एनएफ पॉइंट यहाँ पे देके जा सकता है, ठीक है। अगर इसका फॉर्म देखते हो 22 फिर 0 फिर उसके बाद में 5 फिर यहाँ पे 23 एंड 2, एक मैच यहाँ पे वॉल्यूम कराए थे तो वहाँ पर अच्छे पॉइंट दे गया था, लेकिन आपको बोलूँगा एक एवरेज पॉइंट देके जाएगा, तो आप बस इसको नॉर्मल पे यहाँ पे लेके जाना। अब बात आती है एडवार्ड की, सो एडवार्ड देखो गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देके जाएगा, लास्ट मैच इसने 22 रन, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे देखो 3 विकेट भी निकाल के गया, 3 विकेट 2 बार निकाल के गया इसी बीबीएल में, तो इसलिए वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे पिक बन सकता है एडवर्ड। अब यहाँ से इमाद वासिम को हटा देंगे जो हमारे ग्रैंड का पिक था, ठीक है। अब बाहर आ गया से बॉलिंग सेक्शन की तरफ में, तो बॉलिंग सेक्शन से सीन अबाउट को मैं बैक करूँगा। देखो अगर बॉलैंड खेलेगा तो बॉलैंड को आप लेके चले जाना, आपके लिए बहुत अच्छा पिक है बार्ड यहाँ पे। फिर डॉर्सेस को मैं बैक करूँगा, उसके बाद में एक प्लेयर जो इसको हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैक कर रहे थे, ठीक है। सो आज भी एक लास्ट मैच है इसको मैं यहाँ पे बैक करना चाह रहा हूँ, इसके बाद अगर आज ही फ्लॉप हुआ टिकट ही तो इसके बाद से मैं सीधा इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक एरिया आता है ना यहाँ पे बॉलिंग कराने का, वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए नजर आएगा, ठीक है। और आपको पावर प्ले में आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकता है, तो विकेट के इसके पास चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक अगर आपने देखा आज डेविड पेन का, ठीक है, वो आपको बेस्ट डेथ में आया बॉलिंग कराने, इवन उसने प्रॉपर पूरे ओवर यहाँ पे नहीं कराया, बस वहाँ पे एक ओवर आया लास्ट वाला ओवर डाले वहाँ पे 2 विकेट निकाल के चला गया, तो ये एक फ़ायदा होता है डेथ बॉलर का। फिर ऐसे बात करते हैं सीन अबाउट की, सो सीन अबाउट बेन डॉर्सेस की अगर बात करूँ उनके स्टैट्स की, सो गाइस यहाँ पे देखो जो सीन अबाउट है ना, इन्होंने वेन्यू पर यहाँ पे जो खेले हैं वो 18 यहाँ पे विकेट निकाले हैं 12 मैच हैं, और वहीं अगर बात करूँ मैं हेड टू हेड की, सो हेड टू हेड में गाइस इनके 21 विकेट हैं यहाँ पे 16 मैच हैं, तो यहाँ पे स्टैट्स इनके काफ़ी शानदार है। और वहीं अगर बात करूँ मैं डॉर्सेस की, तो डॉर्सेस की अगर बात करते हैं, सो इन्होंने यहाँ पे 13 मैच यहाँ पे 13 विकेट इनके 9 मैचेस में, और ये वेन्यू का रिकॉर्ड है। बात करूँ मैं हेड टू हेड की, सो हेड टू हेड में गाइस इन्होंने निकाले यहाँ पे 18 विकेट 14 मैच हैं, तो बेन डॉर्सेस अगर आप देखो तो विकेट्स इनके भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको नजर आते हैं। सर अब बात आती है यहाँ से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो कैप्टनसी के लिए मैं आपको बोलूँगा मैक्सवेल, वाइस कैप्टन आप यहाँ पे लॉरेंस को भी लेके जा सकते हो, वेबस्टर भी आपके पास एक अच्छा पिक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया हमारी सीबीसी, अब बात करते हैं हमारे आज के गिवे क्वेश्चन की। सो गाइस आज आपको बताना है लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट यहाँ पे आज कौन देके जाएगा, ठीक है। सो गाइस अब देखो आप लोग आंसर सही तो देते, लेकिन जो आप रूल्स हैं ना उसको फॉलो नहीं करते, गाइस आपको जो हमारा वीडियो अपने 3 दोस्तों यहाँ पे शेयर यहाँ पे जरूर करना है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए मैच।